मैं बैठी हूँ अभी रेस्ट करने, और क्योंकि खेत में सिंचाई की, हमने मिर्ची वगैरह लगाई हुई, जो तेज मिर्ची है उसकी सिंचाई की, और धूप होता है तेज जैसे कि, तो थकान जल्दी हो जाती है आजकल। और ये देखिए मेरे बैक सीनरी में टमाटर का खेत, और इसमें फूल पड़ना शुरू हो गया, और हमारे इसमें अभी थोड़ी, हमने इसकी इतनी अच्छे से अभी केयर नहीं कर पाए हम, इसकी इसकी सपोर्ट की ज़रूरत है इसको, बड़े हो गए हैं ये। वैसे हमने लेट लगाए हैं, सभी ने हमारे से बहुत पहले लगाए थे यहाँ, और हमने लगाए हैं लेट, और पिछली बार टमाटर का रेट था बहुत अच्छा, इस बार देखते हैं क्या होता है। पर हमारे ऐसे हैं, हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाया और बहुत कम भी नहीं है, मतलब खाने को तो खुले होंगे ही होंगे सब्जी के लिए और खाने के लिए। टमाटर में बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है, इसमें स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, और अब अभी तक हमने इसमें स्प्रे नहीं की है। इसमें कीड़े लग जाते हैं और वो फूल काट लेते हैं, और देखिए इसमें लगा भी है, और इसकी थोड़ी, ये देखिए पत्ते पत्ते जो कीड़े ने खाए हैं, इसको स्प्रे की ज़रूरत है, क्योंकि बिना स्प्रे के टमाटर होता ही नहीं है, कीड़ा अंदर से अंदर चला जाता है। दो खेत हैं ये देखिए आप, एक इधर और एक इससे ऊपर भी है। तो गाइस अभी शाम का नज़ारा भी देखिए आप, बहुत ही अच्छा शांत सा मौसम है। तो गाइस ये देखिए टमाटर के पौधे हो गए हैं बड़े बड़े, और आलू इसमें एक बार लगाए थे, तो आलू के प्लांट भी देखिए बीच बीच में, इसको तो हम हटा ही देंगे। हाँ इस साइड की बड़ी थी ये वाली, है ना, जो बड़े दिख रहे हैं आपको, ये बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए हमने एक साइड को बड़े बड़े लगाए और दूसरी साइड को थोड़ा पौधा छोटा है। तो ये देखिए आप, क्योंकि बड़ी पौध जल्दी तैयार होगी, ऊपर जल्दी बड़ा होगा, क्योंकि जो बूटा बड़ा था ना इसमें पिछले साल ना, इसमें थी अरवी, और अरवी इसमें जैसे रह जाती है बीच में छोटी छोटी कहीं भी, तो ये अम्मा जी ने पता क्या किया है, मेरी बदरी लोन ने बीच में थी तो बीच में से उखाड़ के साइड में लगा दी, और पूरी लाइन देखिए आप इतनी अच्छे से हुई है, और नीचे नीचे वाली साइड भी, इसको ओथल बोलते हैं हमारे, जो ये है ना ऊपर की साइड, और नीचे वाली होती है बिकतर, नीचे ऊपर नीचे दोनों साइड लगा दी अम्मा जी ने। जो अरबी है वो मरती नहीं है, ऐसा है, इसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाया है, और इसको पानी मिलता रहता है जब टमाटर की सिंचाई करते रहते हैं। गाइज मुझे घास भी काटना है अभी, देखिए अभी इधर घास है जो हरा भरा घास है, देखिए इधर सुरभि रानी के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने तोड़े वाला घास नहीं काटा, मैंने खड़की काटी है, ये खड़क बोलते हैं इसको कई जगह, खड़की ये वाली, और आजकल होता है ये आधी काटी है। तो पशु इसको बड़े चाव से खाते हैं, और कई लोग सोचते हैं कि पेड़ हम पूरा काट देते हैं, हम नीचे से नहीं काटते उसको, ऊपर उसकी प्रूनिंग टाइप करते हैं, ताकि अगली बार उसमें और अच्छी पत्तियां और ज्यादा अच्छी आए। क्योंकि एक दिन भी मैंने डाला पेड़, मतलब ये पत्तियां काटी ना, तो लोग बोलते हैं कि आपने पूरा पेड़ काट दिया, तो उसको पेड़ काटना बोलते हैं जो हम नीचे से जड़ से खत्म कर देते हैं, तो हम वैसे नहीं करते हैं। और ये हमारे आ जाएगा काम में, और ये आएगा खीरे टमाटर में टमाटर सपोर्ट के काम, और बाद में जब ये बिल्कुल बेकार हो सड़ जाएगा तो जाएगा तो जलाने के इसको काम में, आग जला सर्दियों में। देंगे। अंधेरा हो गया है गाइस, काफी तो अभी होता है काम, 7:30 बज गए हैं, आपको पता है? हाँ 8 तो आजकल खेत में बच जाते हैं, जब क्योंकि धूप तेज होती है ना, धूप में काम नहीं होते ना, काम की प्रोग्रेस निकल पाती है। जिस दिन हमने अरबी लगाई थी ना फर्स्ट डे, उस दिन तो मेरे 8:30 बज गए थे रात के खेत में ही। तो इसलिए मैं इसको बड़ा नहीं ले जाऊंगी घर को, छोटा, क्योंकि ये पशु के पास, मुंह के पास डालने को भी अच्छा रहता है, और अच्छे से खाते हैं पशु। इतनी शांति होती है इस टाइम। शांति होती है और हवा भी ठंडी होती है, पर प्लेन एरियाज में ठंडी हवा नहीं होती, प्लेन में तो लू ही चलती है, हवा भी नहीं चलती। हाँ गुम रहता है। तो गाइस आपको ऐसे ही पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा अगर आप मेरे पेज पर नए हो। मेरा फेसबुक पेज है सीमा कंवर, और मेरा यूट्यूब चैनल है द कंवर फैमिली। तो आप मुझे जैसे फेसबुक पर आप सभी ने सपोर्ट किया है, तो मुझे यूट्यूब पर भी सपोर्ट कीजिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल द कंवर फैमिली में आप ज़रूर विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, उसमें बहुत सारे वीडियो डाले हैं मैंने अपने पहाड़ी कल्चर, अपने
हिमाचल से रिलेटेड जितनी भी है वो सब कुछ मिलेगा आपको उसमें, तो आप ज़रूर जाएं और मुझे यूट्यूब पर भी सपोर्ट कीजिएगा।